परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 के बारे में, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। लेखक थे शंकर दयाल शर्मा और प्रकार था रेखाचित्र। अगले वीडियो में हमने देखा था कि शंकर दयाल भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। उसका जन्म भोपाल उत्तर प्रदेश में हुआ था और हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उसका व्यक्तित्व के बारे में हमने यहाँ चर्चा की थी। हमने देखे थे कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से पैदा हुए और देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक कैसे पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वे उन लोगों में से नहीं थे जो अपने भाग्य पर भरोसा कर बैठ रहते थे और अचानक कभी उसे सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। इसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें कभी सफलता प्राप्त हो जाती थी, तब भी उन्होंने उस ओर अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। हमें एक मार्क में आगे भी हमने कहा था कि एक मार्क में या MCQ में आपको पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन किसके निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, तो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ, उन्हें केवल कर्मयोगी कहना उचित नहीं है, बल्कि निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त है। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म को प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें हैं उनके जीवन चरित्र में दिखाई पड़ती हैं। हमने आगे भी देखा था कि एक मार्क में या दो मार्क में आपको जरूर पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की ये सबसे बड़ी विशेषता क्या थी और ये कौन सी तीन बातें हैं। तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरा है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, तथा तीसरा है कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये तीन बातें उनके चरित्र जीवन दर्शन में हमें दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो, अपने दायित्व को पूरा करना चाहते हो, पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हो, आप यदि आप में उस सफल होने की होना चाहते हो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हो दायित्व यानी कि जिम्मेदारी को, कि अपने भाग में जो जिम्मेदारी है कि वो पूरी करना चाहते हो, तो आप कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता था। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण। श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि उन्हें देखने से ही हमें उसका भावों सभी भावों का एहसास हो जाता है कि उनमें ये सभी बातें हैं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है। वे जो कुछ भी कहते थे वही करते थे और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी।
जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते हैं और उन्हें चाहते भी हैं। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन था, लेकिन देश के उस समय पर यह साफ साफ देखा जा सकता था कि उसको ये देश की जो राजनीतिक विरासत है उसे संभालने के लिए सक्षम कोई भी हो तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी राजनीतिक विरासत और समृद्धि को संभालने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और सामान्य पैदा यानी कि जन्मे थे और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता विशिष्ट प्रकार का आकर्षण उसके जीवन में पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब रहना यहाँ तक हमने देखा था, अब हम देखेंगे आगे। कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व है वो बापू से अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रेरित प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। कि जब वे बापू के साथ थे और उसने तभी उन्होंने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई उन्होंने 1921 में उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। कि उन्हें बापू के विचारों और उसके साथ रहकर उसे ऐसी प्रेरणा मिली, उसके विचारों से ऐसे आकर्षण पैदा हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी परंतु शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों यानी कि भगवान दास और बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा, उसके जीवन दर्शन से उसे ऐसा कुछ आकर्षण पैदा हुआ कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। खुद तो चलने के लिए तैयार हो ही गए परंतु दूसरों को भी प्रेरित किया कि तुम भी इस रास्ते पर चलो। आदर्शों को उसने उसी आदर्शों पर चलना शुरू किया। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की एक उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि बाइबल यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक प्रभाव यानी कि असर कि मुझे वो तो जवाब प्रेरित हो ही है प्रभाव के भगवान दास और बापू का कुछ ऐसा प्रभाव के असर हुआ उन पर कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा वो दूसरे लोगों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किए। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती थी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कि बाइबल यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक उसे कहते हैं बाइबल कि उस पुस्तक से कि पुस्तक में जो उक्ति बिल्कुल है वो मुझे बिल्कुल सही जान पड़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह सही ही है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कि विनम्र यानी कि विनय कि मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल की पुस्तक में जो उक्ति जो लिखे है वो बिल्कुल सच ही है सही है कि विनय विनम्र यानी कि विनय विनय ही पृथ्वी के वारिस हैं। शास्त्री जी के हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में हम आप अगले सेमेस्टर में देख चुके होंगे सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 8 में के ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्र संग्राम, वहाँ भी शास्त्री जी ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में जब प्रवेश किया तब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। कि 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम था
कि उसमें जब वो उसने प्रवेश किया तब जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की ही थी। गांधी जी के आह्वान यानी कि ललकार चुनौती, गांधी जी की चुनौती पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे कि जब गांधी जी ने उन्हें ललकारा चुनौती दी तब वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की कि इसके बाद वह काशी विद्यापीठ में गए और वहां उनके अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। हमें यहाँ पर ही एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मन हमेशा किस पर लगा रहा, तो कि ये देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा कि उनका मन, लाल बहादुर शास्त्री जी का मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में उन्हें लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए कि शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम 1857 के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की ही थी। गांधी जी के ये चुनौती ललकारा, गांधी जी ने ये आह्वान यानी कि चुनौती ललकारना ललकारा पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वह लोक सेवा मंडल के शामिल हो गए जिसके वह जीवन भर सदस्य रहे कि जब तक वह थे उस तक उसने लोक सेवा मंडल में शामिल रहे। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार यानी कि जो नाच जात के बिना अछूत उद्धार एटले कि उसका उद्धार किया अछूतों का। अछूत उद्धार के काम में अपने आप को लगाया गया। ऊंच नीच के भेदभाव थे छूत अछूत के उसने अपने कार्यों में उसका उद्धार करने का काम उसने अपने आप में लगा लिया कि वह जीवन भर लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जीवन भर उसके सदस्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप दलित उद्धार और अछूत अछूत उद्धार के कामों में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया कि यहाँ से शास्त्री जी के जीवन में एक नया अध्याय यानी कि प्रकरण पाठ नया रूप आया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसे परिणाम स्वरूप उन्होंने जेल जाना पड़ा। 1930 यानी कि गांधी जी का आपने ये सेमेस्टर फर्स्ट में देखा होगा कि मीठा दांडी कूच 1930 में गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ 78 साथियों के साथ दांडी से पदयात्रा की थी और नमक कानून 12 मार्च ब्रिटिश सरकार ने नमक पर लगाया था जो उसने गांधी जी ब्रिटिश सरकार ने नमक पर लगाया गया था। इसमें नमक महंगा होगा, गांधी जी ने इसका विरोध किया और 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी तक की तरफ की कूच की पदयात्रा की और अपने 78 साथियों के साथ वह पैदल यात्रा से चले। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धरासण से सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ। यह आपने सामाजिक विज्ञान चैप्टर सेमेस्टर 1 में देखा होगा कि गांधी मार्ग, यहाँ पर सेमेस्टर 2 में भी आपको आएगा महात्मा मार्ग 1 और महात्मा मार्ग 2 कि गांधी जी ने ये 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने ये 78 साथियों के साथ पदयात्रा की और सुबह 5:30 बजे वह साबरमती पहुँचे और गांधी जी ने दरिया में से मुट्ठी मीठू
करके दांडी यात्रा पूर्ण की और उसके साथ सरोजिनी नायडू भी शामिल हुई थी। तो कि गुजरात के धराशना में सरोजिनी नायडू ने भाषण दिए और वहाँ तक वहाँ से उसने भी ये दांडी यात्रा में अपने आप को शामिल कर लिया। और जब नमक कानून आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कि दांडी यात्रा में जब शामिल हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के साथ, इसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी के जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 में गांधी जी ने करोगे या मरेंगे ना नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ो को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन जो आपको अभी आएगा सेमेस्टर 2 में कि हिंद छोड़ो आंदोलन महात्मा मार्ग 1 या 1 मार्ग मार्ग 2 में सामाजिक विज्ञान में कि 1942 में क्या हुआ तो कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो कि ये 1930 में ये दांडी कूच में शास्त्री जी ने गांधी जी के साथ नमक तोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इसके बावजूद उसे जेल भी जाना पड़ा। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि करेंगे या मरेंगे ना नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को लेकर कहा और हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की 1942 में। कि करेंगे या मरेंगे ना नारा देकर अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़ने के लिए आह्वान दिया और कहा कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका अब तैयार हो गई है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। कि उसके लिए ललक यानी कि इच्छा, अंदाजा यानी कि अनुमान, कि इसी से यह अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक यानी कि इच्छा, कि कितनी बड़ी तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। कि पहले तो वह सामाजिक कार्यों में लग गए और बाद में गांधी बापू के साथ अपने विचारों का समन्वय हुआ 1921 में, और वह भारतीय चिंतकों से उसकी भगवान दास और बापू के साथ उसका ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। और इसके बाद वह शास्त्री जी देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे एक स्कूल में थे और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। गांधी जी से उसने आह्वान किया कि ललकारा। गांधी जी ने जब उन्हें ललकारा तब वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गई। इसके बाद वह काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की। इनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा। सन 1926 में वह लोक सेवा मंडल के शामिल हो गई और जीवन भर उसके सदस्य बने रहे। इसके बाद वह 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसके बावजूद उसे जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई और सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही जेल जाने की। इन 12 वर्षों के दौरान वह 7 बार जेल गई। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी तीव्र इच्छा थी, ललक यानी कि तीव्र इच्छा थी। इसके दौरान वह 1932 के किसान आंदोलनों में भाग लिया और इसके लिए करनी पड़ी कि सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष तक की थी, जो सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी कहाँ जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे
और वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे कि जहाँ इसके दौरान कि उसके 7 बार जेल गई है और इसके बावजूद वह शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताई गई रचनात्मक कार्य आपको ये सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान में आएगा कि गांधी जी ने 2 कार्य किए थे, एक रचनात्मक और एक खंडात्मक। यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में वह लगे रहे। इसके दौरान यानी कि दरमियान वही दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी वही लगे रहे कि उसके बावजूद वह जनसेवा कार्यों में भी लगे रहे। 1935 को वह संयुक्त प्रांति कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए कि 1935 में वह कांग्रेस के अधिकारी बन गए और इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1935 से 1938 तक वह संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करने में उन्होंने उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जिम्मेदारी अनमूल पर विशेष जोर दिया गया कि उसमें अनमूल मतलब कि झड़मूल अध्यक्ष यानी कि किसी संस्था का प्रधान कि इसके बावजूद दौरान यानी कि दरमियान तो कि इस दरमियान शास्त्री जी के एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लग गए। दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में वह जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव बने रहे। कहाँ तक तो कि 1938 तक। किसानों के प्रति उसके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करने उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिम्मेदारी अनमूल पर विशेष जोर दिया। आगे का रेखाचित्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।